बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब माफिया अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह कोई हादसा का दृश्य नहीं है। यह जो चार पहिया वाहन पानी में डूबता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शराब लदी हुई थी, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। पुलिस ने जैसे ही इस चार पहिया वाहन का पीछा किया, यह शराब लदी चार पहिया वाहन तालाब में घुस गया। यह दृश्य है दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर तालाब का। शराब लदी यह चार पहिया वाहन तालाब में घुस गई। जानकार की माने तो लोगों का कहना है कि पुलिस ने इसका पीछा किया, जिसके कारण यह चार पहिया वाहन तालाब में ही घुस गया। मौके पर पहुंची पुलिस, इसकी जानकारी दी गई एक्साइज विभाग को, वो भी मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ इसकी जैसे ही जानकारी मोहल्लावासी को मिला, वहां सैकड़ों की संख्या मोहल्लावासी जमा हो गए। ट्रैक्टर के सहारे इस चार पहिया वाहन को निकाला गया। पूरी गाड़ी में शराब लदी हुई थी। घंटों मचा रहा अफरा तफरी का माहौल, आपस में लोग उलझते हुए भी नजर आए। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है जब पूर्णतः शराबबंदी है तो फिर शराब कहां से आता है बिहार में। इतनी सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार को चाहिए कि पूरा शराब चालू कर दे। कई बार पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की बगझग भी हुई। लोगों का कहना है कि जब बिहार में हर जगह शराब मिल ही रहा है तो शराबबंदी नियम किस काम का। नीतीश सरकार को चाहिए कि पुनः शराबबंदी पर जो पाबंदी लगा हुआ है उसे खोल दें। लोगों ने क्या कहा, आप सुने दरभंगा दर्शन से मनोज झा। यहाँ कहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ सुनने में आया कि सुबह 4 बजे शायद पुलिस दौड़ आई, गाड़ी आप सीधे पोखर में जाके गिर गया। हम लोग यहाँ पे आए, देखे, पुलिस को सूचना दिए और पुलिस यहाँ आई और गाड़ी को निकलवाया गया। गाड़ी में क्या है? गाड़ी में दारू है। अच्छा, किसका है कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। पुलिस किधर से खदेड़ी? पुलिस आज उतना डिटेल्स में नहीं पता, सुबह का समय था। कौन पोखर है? ये लक्ष्मी सागर पोखर है। कौन सा जगह है ये? लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर। पूर्णतः शराबबंदी है जी। देख रहे हैं कि यहाँ गाड़ी है, काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या कहेंगे सरकार की योजना के? यही कहना चाहते हैं नीतीश कुमार सरकार से, आखिर जब कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, दारू बंद है, तो फिर कैसे दारू आ रहा बिहार में? हम यही सुनना चाहते हैं, दारू नहीं बंद है, नहीं बंद रहेगा। किसकी कमी आपको इसमें दिखती है? इसमें प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, और किसकी रहेगी? यहाँ दारू वाले लोग कहीं के जा रहे हैं जेल, जेल से बाहर निकल रहे हैं, वही कहीं के खुफिया अपराध निकल रहा है। जो शराबबंदी है, क्या कहेंगे सर? जो बंदिश था तो बंदिश होना चाहिए। यहाँ खुलेआम दारू बिक ही रहा है, आ ही रहा है, यहाँ जा रही है, तो हम लोग को पता नहीं है। जी जी, ये रास्ता है, ये रास्ता है, कहाँ जा रही है पता नहीं आ रहा है। बगैर बोर्ड खुला हुआ नहीं तो नहीं आ रहा है। शराब बंद है, शराब बंद है, शराब कहीं बंद नहीं है सर। सब जगह होम डिलीवरी चल रहा है, शराब कहीं बंद नहीं है। आप चालू शराब चालू नहीं है। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को शराब चालू करवा देना चाहिए। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो, सही सही है। नीतीश के वजह से ना कभी बंद है ना कभी बंद रहेगा सर। हुई है नदी में, उसको निकालने के बाद पता चला किसी को शराब बिक रहा है, तो उसी को जांच की जा रही है कि कितने शराब है, क्या है, वही सब। किस जगह गिरी है? कौन सा पोखर में गिरी है? ये जो है लक्ष्मी सागर तालाब में, उसी में तालाब में गिरी।
शराब लेकर के इधर से भाग रहा था और नदी में घुस गया। इसके बाद हम लोगों को आधा घंटा बाद सूचना मिला कि एक गाड़ी गिरी हुई है। हम लोग सोचते हैं कि उसमें शराब होगा। हम लोग आए हैं यहाँ पर, पकड़ उकड़ करके घिंच घाच करके निकलवाए। आपको कैसे जानकारी मिली? किसी ने फोन किया कि गाड़ी गिरी हुई है, तो धुंध में गाड़ी गिरने का मतलब है कि उसमें शराब है। अच्छा, हम लोगों को लगा कि शराब ही होगा। हम लोग लगभग 7-7:30 बजे वहाँ से चले तो देखे कि गाड़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और गाड़ी अंदर में गिरी हुई थी। हम लोग किसी तरह से टोचन करके पहले उसको मैं दिखवाई कि कोई आदमी तो नहीं ना है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि आदमी नहीं है। हम लोग टोचन करके गाड़ी को बाहर निकाले जिसमें शराब भरा हुआ है। कितना शराब है ये काउंटिंग नहीं किए हैं। काउंटिंग आप लोग भी देख लीजिए कितना है। गाड़ी है, गाड़ी वैगनर है सर। जी जी, सर लोग निकाले हैं, जगह से निकाले हैं, तालाब से निकाले। सर लोग अपना तबरी क्यों कर रहे हैं? मैंने लक्ष्मी सागर अपना पर्चे सुदेश्वर लाल एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा। सर लोग अपना तबरी का माहौल क्यों बनाए हुए हैं? माहौल बस शराब का लेने के लिए। नहीं, लेने के लिए तो नहीं, जो एगो ले लेगा वीडियो चला जाएगा पटना, सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। अभी नीतीश में ये सब नहीं है, जिनका वीडियो चला गया उनको घर से खींच करके निकाल के लेके। कुछ पब्लिक लोग भी सहयोग किए हैं। हाँ, पब्लिक का सहयोग है, बहुत सहयोग किया।